सो हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों की नवरात्रि बहुत अच्छे से गई होगी। एंड आज है रामनवमी, तो कुछ छोटी छोटी वीडियोस मैंने बनाई थी हमारे यहाँ सोसाइटी में जो फेस्टिवल की सेलिब्रेशंस थी या नवरात्रि की जो खुशियाँ मनाई गई थी। तो ये सबसे पहले था गुजराती सोसाइटी की तरफ से गुजराती गरबा। ये लोग बहुत अच्छा गरबा करते हैं, फुल ऑन इन्जॉय करते हैं एंड प्रॉपर फॉर्मेट में। हालांकि आई एम नॉट इन टू गरबा सो मच, पर ये सब चीज़ें देख के बहुत एंटरटेनिंग लगता था, बहुत मज़ा भी आता था। तो आओ आप भी इन्जॉय करो और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। तो ये अम्मू गई थी एक दिन डांडिया खेलने एंड ये स्टेज पे चढ़ के खूब अच्छे से डांडिया बजा रही थी। और ये थी इसके साथ इसकी कुहू दीदी, इन दोनों ने खूब मज़े किए। और ये नेक्स्ट डे अष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी वाले नवरात्र के दिन यहाँ पे जागरण था और बहुत सारी अच्छी अच्छी गेम्स वगैरह भी थी। तो ये भैया हैं वो कुहू से पूछ रहे थे कि आप ड्राइंग करोगे, और ये काफ़ी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ड्राइंग कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे एंड दे वर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। कुछ फ्लावर में कलरिंग कर रहे थे, कुछ राधा कृष्ण बना रहे थे, मतलब अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जिस जिस बच्चे को जो जो भी करना था पेंटिंग में वो सब कर रहे थे। तो ये देखिए कितने प्यारे से बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं, पेरेंट्स के फेसेस पे भी खूब सारी हैप्पीनेस थी क्योंकि बच्चे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे थे। और मैं बड़ा सेफली चल रही थी ताकि किसी बच्चे को मेरे पाँव से चोट ना लगे या फिर कोई बच्चा पेंटिंग करते हुए उसको गलती से पैर ना लग जाए कि उसका पेंटिंग ख़राब हो जाए। तो आई वॉज़ वेरी मच कॉशियस अबाउट दिस थिंग। तो बहुत प्यारा सा लग रहा था, पूरे पंडाल में चाय चाय पैपे चल रही थी बिकॉज लोग थे, तो सब लोग बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे थे और हम लोग को भी देख के बहुत मज़ा आ रहा था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट ईयर मेरी अम्मू भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। गणपति बप्पा, देन हनुमान जी, देन ये शेरावाली माता रानी की मूर्ति जो तब तक रही है जब तक नवरात्रे थे। और ये था जागरण वाले दिन का छोटा सा एक वीडियो, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो यहाँ पे अभी पेंटिंग का इवेंट था, उसके बाद जागरण था। जागरण बहुत लेट था तो मैं उतनी देर वहाँ नहीं रुक पाई बिकॉज अम्मू परेशान होने लग गई थी, पर उसके पहले मैं जाके अपना माथा टेक के आ गई थी क्योंकि हमको जोत नहीं करना है अभी। हमारे यहाँ छोटी सी बच्ची आई है नवरात्रि के दिनों में, हमें माता रानी मिली है तो हमको जोत नहीं करना था, तो पूजा के स्थान पर भी नहीं जाना था बिकॉज हमारे सूतक लगता है। तो मैं उतना पास नहीं गई, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के पर्पज से वहीं रही क्योंकि आई डोंट वॉन्टेड कि मेरी वजह से कोई भी अनबायसनेस हो जाए क्योंकि मन में एक बिलीफ होता है। तो ये देखिए पंडाल का आउटर लुक था, थोड़ा सा दूर से मैंने ये रिकॉर्ड करा। अब था जी हमारा डांडिया नाइट का दिन, और डांडिया नाइट के दिन मैं, अम्मू के पापा, हम लोग सिर्फ डांडिया देखने गए थे बिकॉज हम लोग को खेलना नहीं आता है। तो ये थी पंडाल की एंट्रेंस, यहाँ पे ये दो छोटी छोटी बच्ची है डॉगी से डर गई। उसके बाद यहाँ से हम एंटर हुए, हम एक्चुअली बैक साइड से एंटर हो गए थे, जो मेन एंट्रेंस थी वो दूसरी साइड से थी। तो ये खाने पीने के स्टॉल्स थे अलग अलग और बहुत प्यारे थे। जिस टाइम हम पहुँचे थे ना उस टाइम ऑलमोस्ट क्लोजिंग ही थी क्योंकि हम लोग लेट गए थे, और कुछ कुछ स्टॉल्स खुले थे, कुछ कुछ जो मोस्टली थे वो बंद ही होने वाले थे। तो क्राउड काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। ये देखिए स्टॉल बंद हो चुका है, तो एज आई एम टेलिंग यू कि कुछ स्टॉल्स जो थे वो खुले थे और कुछ जो थे वो बंद हो गए थे। सो ये चलते जा रहे हैं हम लोग अपनी मंजिल की ओर, मतलब डांडिया स्टॉल्स की ओर। तो बस यहाँ तक ही स्टॉल्स थे, खाना पीना एंड एवरीथिंग वाज देयर। तो इस तरफ से एंट्रेंस थी जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अम्मू को मैंने बहुत क्यूट सा लहंगा पहनाया था जो उसकी मासी कम ताई जी ने दिया था। इसने इसके साथ इसका दुपट्टा नहीं ओढ़ा बिकॉज ये डिस्टर्ब हो रही थी दुपट्टे से। तो ये देखिए हम अंदर हुए एंटर। एंटर होने के साथ ही मैंने अम्मू को छोड़ा उसके पापा के पास और मैं लग गई अपने काम में। बहुत सारी जितनी भी लेडीज़ थी ना वहाँ पे, सबकी सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सब ने ट्रेडिशनल अटायर पहना था, एथनिक वियर, लहंगा चोली साड़ीज एंड ये सब था, तो सब बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे बच्चों की भी कुछ कुछ गेम्स थी, पर ये उस टाइम को बंद होने वाली थी जब हम पहुँचे थे बिकॉज क्लोजिंग टाइम था। पंडाल आप देख सकते हैं, पंडाल में कोई भी नहीं दिखेगा। ये अम्मू साइकिल पर, इसको दिख गया अपना प्ले एरिया, तो इसको था मुझे प्ले एरिया में ले जाओ, और मैंने छोड़ा उसको और मैं चल दी अपनी टारगेट एरिया की तरफ और टारगेट ऑडियंस की तरफ। ये देखिए जी, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से छोटा सा हमारा मतलब इवेंट जो हमारा था, छोटा सा नहीं मतलब छोटी सी व्लॉगिंग स्टार्ट हुई और मैं आगे चलती गई। मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था सब कुछ। तो चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। अब देखिए यहाँ की डांडिया नाइट।